दोस्तों बांग्लादेश की टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारत को मिला बड़ा इनाम, लेकिन पंत और राहुल ने मिलकर किया ऐसा बड़ा नेक काम। सौरव नाम के खिलाड़ी को पहले थमाई ट्रॉफी और फिर दिलवाया इतने करोड़ का इनाम की जानकर पूरा भारत देश कर रहा है अब भारतीय टीम के एक एक खिलाड़ी को सलाम। तो दोस्तों आखिर क्या हुआ ये पूरा वाकया, वो सब आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम को दुनिया की सबसे अच्छी टीम मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने रविचंद्रन अश्विन और सुरेश अय्यर की 71 रनों की साझेदारी के दम पर बांग्लादेश की टीम को 3 विकेट से हरा दिया, जहां भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 62 गेंदों में 42 जबकि सुरेश अय्यर ने 46 गेंदों में 29 रनों की नाबाद पारी खेली। हालांकि दोनों ने उस वक्त यह साझेदारी की जब 74 रन के स्कोर पर 7 विकेट टीम इंडिया गंवा चुकी थी। बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रही टीम इंडिया को एक अच्छी साझेदारी की दरकार थी और बांग्लादेश की टीम को इन दोनों ने यहां दूसरे टेस्ट मुकाबले में धूल चटा दी। तो वहीं बांग्लादेश की तरफ से दूसरी पारी में मेदी हसन ने जहां 5 विकेट हासिल किए और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया और उसकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी भी बरकरार है। हालांकि दूसरा टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया के लिए इतना आसान रहा नहीं, क्योंकि तीसरे दिन का खेल जब समाप्त होने की कगार पर था तभी टीम इंडिया ने 4 बड़े विकेट शुभमन गिल, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के रूप में गवा दिए थे। फिर जब चौथे दिन अक्षर पटेल और जयदेव उनादकट ने पारी की शुरुआत की तो यहाँ जयदेव उनादकट, ऋषभ पंत और यहाँ तक कि अक्षर पटेल भारत को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन सुरेश अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने शानदार बल्लेबाजी कर यहाँ दिखा दिया कि हारा हुआ मुकाबला किस तरह से जीता जाता है। तो वहीं दोस्तों अगर बात करें भारत बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के समाप्त हो जाने के बाद जब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो दोस्तों उस दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ियों को काफी बड़े बड़े इनाम दिए गए। जब चेतेश्वर पुजारा को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया तो वहीं भारत की तरफ से दूसरे टेस्ट मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने वाले रविचंद्रन अश्विन को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया और केएल राहुल के हाथों में भारत की 2-0 से टेस्ट सीरीज में जीत के लिए ट्रॉफी थमाई गई। और दोस्तों केएल राहुल ने एक बार फिर से वही परंपरागत तरीके से उस ट्रॉफी को ले जाकर भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल सबसे युवा खिलाड़ी यानी कि सौरव कुमार को ट्रॉफी थमा दी। आखिरकार सौरव कुमार कौन है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सौरव कुमार उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से खेलने वाले शानदार गेंदबाज है जिन्होंने अपने नाम पहले भी कई रिकॉर्डों को काबिज कर रखा है और इस बार नेट बॉलर के तौर पर उनको टीम इंडिया बांग्लादेश लेकर गई थी। और दोस्तों आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि सौरव कुमार एक मिडिल क्लास से भी जो नीचे फैमिली होती है उससे निकल कर आए हैं और उन्होंने यहाँ तक पहुंचकर अपने गांव जिले का ही नाम नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके आंकड़े बेहद ही शानदार है जहाँ वो बल्लेबाजी कर काफी रन भी बनाना जानते हैं। हालांकि ऋषभ पंत के कहने के बाद केएल राहुल ने ट्रॉफी जाकर सीधा सौरव कुमार के हाथों में थमा दी। और दोस्तों ये हमेशा से ही देखा चला आता आया है कि जब भी टीम इंडिया कोई सीरीज जीतती है तो बस केएल राहुल ही नहीं, यहाँ पर कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और यहाँ तक कि विराट कोहली जैसे महान कप्तानों ने भी अपनी टीम के सबसे छोटे खिलाड़ी के हाथ में ट्रॉफी थमाई है और इस बार भी ऐसा कर केएल राहुल ने सभी का दिल जीत लिया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है केएल राहुल द्वारा किए गए इस नेक काम के बारे में, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।